हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं फिलहाल घर के बाहर हूँ अंदर, बिकॉज़ अभी सुबह के 5 बज रहे, तो लाइट वाइट से इतना अच्छा वीडियो नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि बाहर ही क्यों ना कर लो। तो आज का व्लॉग होने वाला है कि आज मैं और मेरे फ्रेंड प्रियंकुशा हम जा रहे हैं गुवाहाटी किसी काम से। क्या काम है वो आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। तो अब 6:30 का हमारा ट्रेन है, तो अभी बज रहे 5। तो मैं फ्रेश व्रेश हो गई, ब्रश व्रश कर लिया, तो अभी पैकिंग कर लेती हूँ, बिकॉज मैंने कल रात को पैकिंग नहीं किया। ज़्यादा नहीं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो इतना कुछ सामान चाहिए नहीं। तो आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग को देखते रहिए। बाय बाय। सुबह जल्दी उठने का फायदा, चीज़ों की आवाज़ सुनेगा, सुनाई देता है कि नहीं लोगों। तो आई एम रेडी, बैग ले लिया, अभी जाएंगे भैया मुझे छोड़ने के लिए। तो चलो स्टेशन में मिलते हैं, बाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं बस के लिए। चलिए, क्या हुआ, हमने टिकट नहीं करवाया था क्या बात है? तो स्लीपर का भी नहीं है, और सिर्फ 2S है, और 2S में मुझे नहीं जाना। ओह माय गॉड, सीढ़ी में चढ़ गया। सो 2S में हमको नहीं जाना, और AC में मैं नहीं जा सकती। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे बस के लिए। ओह माय गॉड, क्या करें, अब चलते हैं बस स्टॉप। होपफुली सुबह का बस मिल गया हम लोग को। वो अभी आ गया, अभी वैगनेस आ गया। क्या आ गया? ब्राइट बस कब आया? निशा, तुम्हारा वो गाड़ी कब है? खुशी खुशी आ गया। खुशी नहीं है, शिवानी। शिवानी मरा बस कब आएगा? सब लेडीज बस ही है। फाइनली आ गए हम लोग बस में। ट्रेन में जाने वाली थी, लेकिन अभी बस में जाना पड़ रहा है। इधर है प्रियंकुशा, प्रियंकुशा। तो हम दोनों ने ऐसे ऐसे सीट लिया, सिंगल सिंगल सीट, बिकॉज हम दोनों को खिड़की चाहिए। बिना खिड़की के मैं तो नहीं जा सकती, मुझे हवा चाहिए बाहर का, इसलिए। तो हमारा बस 7:15 को पता नहीं क्यों इतना लेट आया। ऑलमोस्ट 8 ही बज चुके थे जब हमारा बस स्टार्ट हुआ, बट फिर भी कोई नहीं, इतना ब्यूटीफुल सीन्स देखने मिल गया। बस में घूमने का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए टी गार्डन कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो अभी हम लोग कहाँ हैं, नौगांव पहुँच गए। तो यहाँ पर खाने के लिए थोड़ा देर रुकाया है, तो क्या खाया हो थोड़ा सा देखते हैं कुछ। ओए आ जा। हाँ गर्मी है, बाप रे, क्या ही बोले। पहुंच गए हम लोग ISPT गुवाहाटी में। अभी थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख लग रहा है, उसके बाद जाएंगे होटल में। तो फाइनली एक हम लोग को मिल गया रेस्टोरेंट, गूगल पे सर्च मारा, तो अभी वहीं जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, तो सीधा होटल जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। नहीं सोएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर घूमने जाएंगे। पहुंच गए हम लोग होटल। बहुत ज्यादा गर्मी है, वहीं पे है वेजिटेबल्स में, पनीर बटर मसाला और वेज पुलाव। नहीं, जीरा राइस खाते।
दाली साली लो बोले ना आया हुआ है एक्स्ट्रा क्या कर दाली साली चाहिए होगा मुझे तो भूख लग रहा है देखते हैं अभी खा के पहले अगर सही है तो खाने में हो जाएगा। तो सुबह से हमने कुछ अच्छे से खाया नहीं था वो चिप्स और लस्सी के अलावा तो बहुत ज़्यादा ही भूख लग रहा था मुझे तो खाना भी बहुत टेस्टी था गर्मा गर्म बहुत मज़ा आ रहा था खा के बट मैं इसका प्राइस भूल गई मुझे प्राइस राइट नहीं है बट खाना बहुत अच्छा था। हम लोग क्या हमारा होटल पता नहीं कौन से जंगल में है पता नहीं हम लोग जा रहे हैं कौन से जंगल में होटल बुक किया है अभी पता नहीं गाड़ी भी नहीं मिल रहा है गाड़ी भी नहीं जा रहे यहाँ से हम लोग हाल में साथी तो लो है इसलो इतना गर्मी में हाँ अभी अच्छा क्या तुम साथी लाया ना गर्मी में हम पैदल जा रहे अभी पहुँचने वाले वैसे हाँ वैसे और होपफुली पहुँच जाए यार हम लोग पहुंच गए हमारा होटल छोटा सा प्यारा सा इतना मेहनत के बाद इतना पसीना हाँ पसीना बहाने के बाद क्या ही बोले अभी तो हम लोग अभी फिलहाल है होटल में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया है वो मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगी। तो अभी हम नहा धो के फ्रेश हो गए तो अब हम जाने वाले हैं प्रियंका से कहाँ जाएंगे फैंसी बाजार जाएंगे वो कुछ खरीदेगी हम लोग भी देखते हैं क्या मिलता है अगर कुछ सस्ता मिला तो हम भी खरीदेंगे तो मिलते हैं फैंसी बाजार में चलो आज का ओडीडी है भैया का शर्ट जो बर्थडे में मैंने गिफ्ट दिया था इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स वगैरह है रिलायंस मन मौजा जगह तो ना तो अभी हम लोग आ गए हैं फैंसी बाजार में बहुत मुश्किल के बाद काफी दूर है हमारे बहुत ट्रैफिक है इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि अगर किसी को जाना है तो उसको एक दो घंटे पहले निकलना पड़ेगा हाँ वो तो है हाँ तो हम लोग ने पहले से प्लान किया था कि हम फैंसी बाजार जाएंगे क्योंकि हमने सुना था वहाँ पे चीज़ें सस्ते मिलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के आइटम्स थे आपके 200-300 में टॉप शूज़ वगैरह मिल रहा था तो मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ खरीदा तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। हम लोग एक्चुअली ट्रैफिक के वजह से कल थोड़ा लेट पहुँचे थे तो कुछ कुछ दुकान बंद भी हो रहे थे बट यहाँ पे बहुत अच्छा है सस्ता है चीज़ें अच्छा भी है तो अगर आप लोग गुवाहाटी आए तो यहाँ पे आ सकते हैं। होटल में खाना साथ में लेके आए तो खाएंगे होटल पे खाएंगे तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया और प्रियंका सर तो बिस्तर में चले गए सोने के लिए उसको काफ़ी टायर्ड फील हो रहा है मेरे को भी हो रहा है तो कल सुबह उठना है तो अभी हमने दोबारा नहा लिया इतना गर्मी है यहाँ पे इतना गर्मी है और हमारे रूम में एसी नहीं है तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे होपफुली कल मिल जाए तो ये था गुवाहाटी का पार्ट वन सो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं पार्ट टू में बाय बाय।